इंडिया इज मेल्टिंग इफ वुमेन आर नॉट रिस्पेक्टेड। के साथ गरिमा जोशी पीयूपल से, और आज हम आ चुके हैं सेक्टर 17 प्लाजा पर, जहां पर एमसीएम डीएवी कॉलेज के स्टूडेंट्स ने ऑर्गेनाइज करवाया है कैंडल मार्च। तो चलिए इसी मुद्दे में, सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कैंडल मार्च। सिग्निफिकेंस इज दिस कि हमें सेफ्टी चाहिए एंड दिस इज़ गेटिंग आउट ऑफ हैंड। जो इस बार हुआ, जो 2012 में हुआ, लोग इसका कोई भी, द गवर्नमेंट इज़ नॉट टेकिंग एनी स्टेप्स, और हमें इस बात का बहुत गुस्सा है। इसीलिए हमें ये कैंडल मार्च करानी है ताकि लोगों को समझ आए कि कितनी गंदी हालतों से गुजर रहे हैं। द केस और द झारखंड केस और द मल्टीपल केसेज वी विटनेस जस्ट दिस पास्ट मंथ, इट्स ऑल्सो अबाउट द हरासमेंट एवरी स्टूडेंट फेसेस इन चंडीगढ़ आउटसाइड एमसीएम कॉलेज एवरी डे एंड द एंटायर कम्युनिटी ऑफ इंडिया। तो आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि आप अपने लड़कियों को मत सिखाएं कि आप अपनी सेफ्टी का ध्यान दें, अपने बेटों को सिखाएं कि औरों की लड़कियों को गलत नज़रों से ना देखें, आप दूसरों की लड़कियों को। होती हैं इंडिया में, हो रही है या फिर समाज में ऐसी चीज़ें होती हैं, तो इससे घर पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? घर पर जो भी लोग होते हैं उनका क्या रिस्पॉन्स होता है इन सब चीज़ों की तरफ? लोग कहने को गलत कहते हैं, बट घरों में अगर देखा जाए, बिजनेस खुद देख सकते हो, बचपन से ही लड़कियों को क्या सिखा जाता है, ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा काम नहीं है। लड़कों को क्या कहा जाता है, ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा काम नहीं है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, अपब्रिंगिंग से स्टार्ट होती है कि किसी घर का माहौल क्या है, आपको बोलने का कितना हक दिया जा रहा है। आप देखेंगे कि जो लड़कियों के घर में ज़्यादा आज़ादी मिलती है, वो जिन घर में ज़्यादा सीख होता है, वो लड़कियाँ और लड़के कम भी ऐसी चीज़ें करते हैं। वो कंसर्न समझते हैं कि लोगों की क्या है। जितना लोगों को घुटाओगे फ्रीडम, एक पंछी को भी बंद कर दोगे ना तो वो पंछी भी फड़फड़ाता है। सबको फ्रीडम चाहिए, ठीक है? इंडिया में सब कुछ हो रहा है, छुप छुपा के हो रहा है, ठीक है? रेप जैसी चीज़ें रुक सकती हैं, बट पता है क्या है, जो हमारी संस्कृति है डेफिनेटली वो चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है? बट इन चीज़ों के लिए रोकने के लिए क्या सोल्यूशन है? या तो ऐसी सजा दो कि डर का माहौल पैदा हो जाए। अब आप अब्रॉड में देखो, रेप करने वालों के बाजू काट दिए जाते हैं, मौके पे ही उनको शूट कर दिया जाता है। हमारा सिस्टम क्या है, आपको भी पता है कि क्या ये हमारा सिस्टम। तो घर से चीज़ें शुरू हो रही हैं। माँ अपने बेटे को ज़्यादा प्यार करती है कंपैरेटिवली बेटा, ठीक है? बेटे को कहेगी ये मत खा, तेरे भाई ने खाना, तेरे पापा ने खाना, मतलब क्यों यार? चीज़ें घर से शुरू हो रही हैं। समाज को अगर सुधारना है तो खुद को चेंज करना पड़ेगा। लड़कियों से ज़्यादा अब जो रेप हुआ है, डॉक्टर थी ना लड़की, उसके माँ बाप ने क्या सोचा होगा? पर वो जिस समाज में बिचर रही है, आप ये सोचो कि मेंटेलिटी, वो लड़की कितनों की जान बचा सकती थी। जो मतलब मदर, आपके ऊपर इन सब चीज़ों का क्या इम्पैक्ट होता है और आप इन सब चीज़ों को कैसे देखती हैं? सी, अगर मैं इनको सबसे पहले देखूँ, एज अ वुमन देखूँगी, एज जैसे औरत हूँ, तो औरत जो है वो अबला कही जाती है, लेकिन वो सच में बलिहारी है। वो बलाएँ लेती है सबकी, तो हमें उनको बलाएँ देनी नहीं है। और एज अ मदर मेरे ऊपर ये इम्पैक्ट आता है कि मैं एक अच्छा चाइल्ड रेज करके सोसाइटी को दूँ। दैट्स माई ड्यूटी, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ईच एंड एवरी ह्यूमन बींग, स्पेशली टुवर्ड्स वुमेन। हेलो मैम, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस प्रोटेस्ट से आपकी एग्जैक्ट डिमांड क्या है? ऑब्वियसली हम इस प्रोटेस्ट के थ्रू, साइलेंट मार्च के थ्रू, जस्टिस डिमांड कर रहे हैं, नॉट जस्ट फॉर द कोलकाता रेप केस, बट फॉर सेवरल अदर केसेज जो हर दिन हर पल इस कंट्री में होते हैं। एंड वी डिमांडिंग फॉर द जुडिशियल सिस्टम टू बी स्ट्रॉन्गर, लॉज टू बी स्ट्रॉन्गर, एंड पीपल विद एक्सपर्टीज कैन टेक एक्शन ऑन दैट। वी आर डिमांडिंग फॉर पीपल टू बी अवेयर, वी आर डिमांडिंग फॉर पीपल टू स्टैंड अप फॉर दिस केस। मैम, बींग ए गर्ल एंड बींग ए स्टूडेंट, आप इन सब चीज़ों को कैसे टैकल करते हो अगर आपके साथ कोई अनकम्फर्टेबल इंसिडेंट होता है तो? आई एम सॉरी टू से, बट दिस हैपन्स एवरी नाउ एंड देन, नॉट जस्ट विद मी बट एवरी गर्ल from our college. There are guys the whole time and we are being followed very openly, and there hasn't been any action for that. There are police, but then again these people are not scared of anyone, and like we expect that our college will be a safe place, but then if it's not our workplace, it's not our college. I don't know what's happening in the world, and abhi RG ka case hua hai, it could have been any one of us. Every girl is scared, the horrors of the case that's been going on. Everyone has to look at their step, jab bhi they have to look at their back, ki matlab it could have been us. What awareness are you exactly trying to bring through this candle march? Hello, namaste. We are here to protest the Kolkata rape tragedy
We're also here to promote all strength towards all against all women crimes everywhere and especially अगर मैं हमारे अपने चंडीगढ़ में बात करूँ तो मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी गेड़ी प्रोटेस्ट के बारे में भी बात करना चाहती हूँ. एंटी वुमेन हैरेसमेंट गेड़ी की एक माइक्रो एग्रेशन है पर ये भी रेप कल्चर को प्रमोट करता है. जैसे मैं भी एक वुमेंस कॉलेज में हूँ और हमें ये बहुत अक्सर प्रॉब्लम देखी जाती है कि थार में लड़के लाउड म्यूजिक चला के आ जाते हैं ऑलमोस्ट लाइक जू में एंटर कर रहे हैं टू सी एनिमल्स इन अ केज. उस तरह से इतना ऑब्जेक्टिफाइड वो हमें हमारे कॉलेज के बाहर फील कराएं. ज़रूरी है कि उन्हें पता चले कि ये किसी की एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक मेंटल हेल्थ पर बहुत ही बड़ा आक्रोश वो कर रहे हैं. तो वी मस्ट प्रोटेस्टेड ताकि चेंज आए. तो मैम व्हाट आर यू एग्जैक्टली डिमांडिंग फ्रॉम दिस पीसफुल कैंडल मार्च? आपकी एग्जैक्ट डिमांड क्या है इस पीसफुल कैंडल मार्च से? एग्जैक्ट डिमांड इज दैट व्हाई डू वी नीड टू हैव लिमिटेशंस ऑन अस कि हमें इतने टाइम तक नहीं जाना चाहिए. हमें बाहर जो हमारे कॉलेज के लड़के आते हैं उनके साथ ज़्यादा बात भी नहीं, वी जस्ट हैव टू नॉट वॉक अकॉर्डिंग टू देम. सो वी आर टोल्ड टू स्टे इन कॉलेज, वी आर टोल्ड टू कवर अप, वी आर टोल्ड टू have rules so that nobody harasses us, but it's our place of education. And agar hame college mein ladkiyan ghar mein public places mein schools mein safe nahi hai to hum jaye kahan? Where should we exactly go? I'm asking a question. What if I am next? What if a 4-year-old girl is next? Which yesterday we have seen, it's been 2 4-year-old girls raped in a school washroom. So I think we're asking for that. Why do men do lack that एम्पथी कि हमें क्यों उनको बोलना पड़ता है कि समझो, इमेजिन करो ये तुम्हारी बीवी होती, तुम्हारी बेटी होती. वी आर समबडी, वी डिमांड दैट रिस्पेक्ट. वी डो नॉट वॉन्ट यू टू सेव अस, वी वॉन्ट यू टू गिव अस बेसिक ह्यूमन राइट्स. थैंक यू. स्टूडेंट, क्या आपके साथ कभी ऐसा कोई अनकम्फर्टेबल या अनकन्वीनियंट सा इंसिडेंट हुआ है? हाँ, एज बींग पार्ट ऑफ द गर्ल्स कॉलेज, जब भी हम कॉलेज से बाहर निकलते हैं तो दिस गेड़ियाँ इतनी सारी लड़कों की होती हैं और वो कॉन्स्टेंटली रहती हैं. पीपल हैव नॉर्मलाइज दैट कि पुलिस को भी कुछ बोलो तो वो कुछ एक्शन लेती नहीं है. अभी मैं आई थिंक द ईयर्स आई वॉज इन माई कॉलेज, जब एक बार मैं बाहर जा रही थी एंड देन देर वॉज अ डूड स्टैंडिंग नियर बाय एंड वी अवॉइड आई कॉन्टैक्ट एट ऑल टाइम्स, बट लाइक फ्रॉम द साइड तो दिख गया था कि ही वॉज लिटली मास्टरबेटिंग वहाँ साइड में खड़े होके. दैट वॉज वेरी स्केरी. मैंने घर वालों को बताया, घर वालों का रिएक्शन यही था कि चुपचाप चला करो अपनी लेन में ध्यान देके. तो वही है कि उनको क्यों नहीं बोला जा रहा और हमें क्यों बोला जा रहा है? वाई अस, वाई नॉट देम व्हेन दे आर द रियल कल्प्रिट्स हियर? आपको क्या लगता है, आपकी ये कैंडल मार्च कोई इम्पैक्ट डालेगी सिस्टम पर हमारे या गवर्नमेंट पर? Yes, I think ये जो मार्च है it will result into a lot of change because these types of incidents, this is not the first time that this is happening in our country and sadly this thing has become a lot more common and it has been normalized I think to some extent. So these types of things is what I think as a student, as a girl, I can do the best to change this and to have a little bit and help in changing this scenario a little bit and create a bit of impact. Scandal march se do, exactly what are you demanding from this scandal march? Obviously we're demanding safety. The most stupidest of all perception that people carry is that women need protection. We don't need protection, we need safety. Tum hame ek safe environment de do, hame protection ki koi zarurat nahi hai. I'm an MCM student, of course I have been a witness of sexual assault a lot of times. I'm a third year student, so you can very well imagine MCM के बाहर क्या माहौल होता है. आई थिंक एवरी चंडीगढ़ स्टूडेंट नोज दैट इट्स अ गेड़ी रूट. कैन यू जस्ट इमेजिन, मतलब वॉट, दैट्स रिडिक्यूलस. आई थिंक दैट इट्स सच अ प्रूव वॉट मैन दीज डेज दे कैरी. आई डोंट नो वॉट टू से. एंड द पेरेंट्स दे नॉट सेइंग एनीथिंग टू देयर बॉयज. लड़कियों के ऊपर सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है. एज अ गर्ल आई नो दैट मेरे पेरेंट्स भी दे वॉन्ट ओके विद मी बींग अ पार्ट ऑफ द मार्च. सो It's a shame that women still have to protest about this. जब तक ये protest हुआ है उतने में भी कितने सारे rape cases हो गए हैं. That's a shame. It's a shame on the Indian government. It's a shame on the society. And we all are a part of the rape culture. And that needs to change. That is what we're here for. Student, आप MCM के बाहर के माहौल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? I've been a student in MCM for the past 3 years now. This is my 3rd year. And the boys that roam here and there aimlessly, I mean, it makes all of us very uncomfortable. Or matlab there is no stopping to these guys. Matlab kuch bhi kar lo, they just don't stop. If we say no, then even then they don't take no as an answer. So I mean, it makes us very uncomfortable. And all these eve teasing episodes,
they've been growing day by day. So thank you for the it answer. It feels like a hopeless situation at this point.